हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 7 12th क्लास अल्टरनेटिंग करंट में। जैसे हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ऑलमोस्ट एंड में पहुंच गए चैप्टर 7 के, एंड द टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुडे विल बी फर्स्ट वन इज वाटलेस करंट, वन मोर वी विल डिस्कस दैट इज चोक कॉइल, एंड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू पावर वही करंट, वो हम डिस्कस करेंगे। So let's start with wattless current. Wattless current नाम से ही पता चल रहा है, we can slightly understand कि wattless current क्या होगा। The component of current. What is wattless current? Component of current of wind है, which component? इसको मैं डिफाइन करने से पहले, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं करंट का कौन सा कंपोनेंट वो समझना है। करंट का वो कंपोनेंट जिससे पावर कंजम्पशन जीरो हो जाए, वो कौन सा कंपोनेंट होगा वो समझते हैं। व्हाट इट, लेट दिस इज वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय वीआरएमएस वेक्टर क्वांटिटीज, एंड दिस इज लेट करंट आई RMS, this is current IRMS. Phase difference between them is let phi. Phase difference between voltage and current is phi. Then what are the components of current? Current का component along voltage क्या होगा? ये current IRMS इसके साथ angle बना रहा है phi. जिसके साथ angle बनाएगा वो हमेशा cos component होगा. So IRMS का इधर component होगा IRMS cos phi, इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा IRMS sin phi. ये दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ करंट। लेट अस कैलकुलेट पावर कंजम्पशन ड्यू टू दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट। व्हाट इज द पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ करंट आई आर एम एस कॉस फाइ, इसकी वजह से कितना पावर कंज्यूम होगा। पावर का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या फॉर्मूला है? वोल्टेज वी आर एम एस इंटू इसका पावर कंजम्पशन निकाल रहे, तो यही करंट लेके चलेंगे, दैट इज आई आर एम एस कॉस फाइ इंटू क्या फॉर्मूला था, वी आर एम एस इंटू करंट आर एम एस इंटू कॉस फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस है, इसमें और इसमें फेज डिफरेंस ऑब्वियसली दे आर इन सेम, दे हैव सेम फेज, सो फेज डिफरेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0 degree. cos 0 यू नो वेल cos 0 इज 1, सो द आंसर इज वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi इज द पावर कंजम्पशन ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ करंट। इन द सेम वे व्हाट इज द एवरेज पावर, what is the average power consumption due to another component, due to the other component of current I RMS sin phi, that is इसकी वजह से कितना power consumption होगा। formula same रहेगा V RMS इंटू कर, इसकी वजह से पावर कंजम्पशन हमें निकालना है, तो यही करंट हम लेके चलेंगे आई आर एम एस साइन फाइ इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम। वोल्टेज तो यही रहेगा, इसका पावर कंजम्पशन है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज ऑब्वियसली हाउ मच इट इज, इन दोनों में तो 90 degree है, कॉस 90 इज 0, so this term becomes 0. यानी जितना भी पावर कंजम्पशन किसी भी सर्किट में हो रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इसकी वजह से पावर कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि टोटल पावर कंजम्पशन भी यही था।
इस करंट का, इस कंपोनेंट ऑफ करंट का पावर कंजम्पशन इज जीरो। दिस कंपोनेंट ऑफ करंट टू टू विच पावर कंजम्पशन जीरो, यानी इसकी वजह से कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है। व्हाट कंज्यूम नहीं हो रहा है, यानी ये करंट व्हाट कंज्यूम नहीं कर रहा है, पावर कंजम्पशन नहीं कर रहा है, व्हाट लेस है, पावर कंजम्पशन जीरो है। सो दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज नोन एज व्हाट लेस करंट। सो ये बन गया है व्हाट लेस करंट, व्हाट इट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ करंट, कंपोनेंट ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, वोल्टेज के परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट ऑफ करंट, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं यहां पे आई आर एम एस साइन फाइ, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ करंट आई आर एम एस साइन फाइ, ड्यू टू विच पावर कंजम्पशन इज जीरो, ड्यू टू विच पावर कंजम्पशन इज जीरो, जो पावर कंज्यूम नहीं करेगा, इज नोन एज, ड्यू टू विच पावर कंजम्पशन इज जीरो, इज नोन एज वॉटलेस करंट, दैट इज नोन एज वॉटलेस करंट, वॉट इट, वॉट लेस, यानी जो वॉट कंज्यूम नहीं करेगा, पावर कंजम्पशन नहीं होगा, वॉट लेस करेंट। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, डिफाइन वॉट लेस करेंट आ चुका है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। वन मोर पॉइंट देयर इज, पावर से रिलेटेड ही एक और छोटा सा सर्किट हम पढ़ेंगे, दैट इज चोक कॉइल। व्हाट इज अ चोक कॉइल, एक्चुअली एक सर्किट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में बीच में, एल आर सीरीज सर्किट। चोक कॉइल भी वही है एग्जैक्टली, हम चोक कॉइल का मतलब है प्योर या परफेक्ट इंडक्टर, परफेक्ट इंडक्टर होना चाहिए, बट परफेक्ट इंडक्टर तो है ही नहीं, प्योर इंडक्टर तो पॉसिबल नहीं है। जिस वायर की वाइंडिंग करके कॉइल बनाएंगे, इंडक्टर बनाएंगे, उस वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो इस कॉइल के साथ इंडक्टेंस के साथ सीरीज में एग्जिस्ट करेगा। दैट्स व्हाई जो कॉइल रियल में हमें क्या चाहिए, प्योर इंडक्टर, बट प्योर इंडक्टर डजंट एग्जिस्ट, सो उसके अंदर जो वायर यूज हुई है उसका रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करेगा। सो डेली लाइफ में चोक कॉइल इज एन आर सीरीज सर्किट। अब इंडक्टर हमें चाहिए था, बट इंडक्टर बनाने के लिए जो वायरिंग यूज हुई है उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो गया, और इसको हम जीरो नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई एल आर सर्किट हो गया। हमें इंडक्टेंस चाहिए था ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कम से कम हो, ये कम से कम हो, जिससे क्या फायदा होगा, जितना कम से कम होगा उतना पावर कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि प्योर इंडक्टर में पावर कंजम्पशन जीरो था हमने पढ़ा था। प्योर हमें मिल जाए तो वो चोक कॉइल, आइडियल चोक कॉइल बन जाएगी, बट प्योर हमारे पास नहीं है, दैट्स व्हाई चोक कॉइल इज व्हाट, एल आर सीरीज सर्किट। चोक कॉइल इज एल आर सीरीज सर्किट। जब इसे हम किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो इसमें पावर कंजम्पशन कम रहेगा, क्योंकि यहां पावर कंजम्पशन जीरो, इसको हम ट्राई करते हैं कम से कम हो, जिससे पावर कंजम्पशन कम हो जाए, ठीक है। चोक कॉइल इज व्हाट एग्जैक्टली कहें तो इट इज एन इंडक्टर, इट इज एन इंडक्टर, और हैविंग इंडक्टर हैविंग स्मॉल रेजिस्टेंस, हैविंग स्मॉल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम से कम कोशिश करते हैं कम हो जाए, दैट इज चोक कॉइल। और कह सकते हैं इट इज एल आर सीरीज सर्किट। चोक कॉइल इज एल आर सीरीज सर्किट हैविंग हाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, हैविंग हाई इंडक्टेंस एल एंड लो रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस कम से कम हो, इंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, दैट एल आर सीरीज सर्किट इज नोन एज चोक कॉइल, आइडियल चोक कॉइल।
इज द प्योर इंडक्टर विद जीरो रेजिस्टेंस. व्हाई लो रेजिस्टेंस? बिकॉज वी नो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ का फॉर्मूला कौन बताएगा? कॉस फाइ का फॉर्मूला एल आर सीरीज सर्किट में मैंने लिखवाया था. कॉम्बिनेशन कोई भी आ जाए, कॉस फाइ कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आर बाई जेड हो जाएगा. प्योर रजिस्टर जीरो, प्योर इंडक्टर 90, प्योर कैपेसिटर 90, फाइ की वैल्यू मैं बता रहा हूं. बट कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर फाइ की वैल्यू डिफरेंट होगी. कितनी होगी? तो कॉस फाइ याद रख सकते हैं, कॉस फाइ क्या होगा? आर बाई जेड. वट इज आर? रेजिस्टेंस एंड जेड इज इंडक्टेंस. गॉट इट? जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ये वैल्यू कम होगी और पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा. इफ वी हैव एन आइडियल चोक कॉइल, मींस प्योर इंडक्टर भी हमारे पास हो, तो उसका पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा. यू नो चोक कॉइल क्या है, कहां यूज होते हैं चोक कॉइल? जिन्हें डिनर लाइफ में सिंपल चोक बोल देते हैं. चोक कहां यूज होते हैं? हमने देखा होगा ट्यूब्स जो होती हैं, ट्यूब्स हम यूज करते हैं ब्राइटनेस के लिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, उनमें एक बॉक्स लगा होता है, एक चोक लगा होता है. दैट चोक इज चोक कॉइल और एलआर सीरीज सर्किट, जिसमें इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम पावर कंजम्पशन कम कर लेते हैं. गॉट इट? बट अगेन द सेम, आज के टाइम पे तो वो भी ऑलमोस्ट रिप्लेस हो गई हैं और ट्यूब्स की जगह क्या आ गया है? एलईडी. एलईडी क्या होते हैं? एलईडी भी हम डिस्कस करेंगे, बट सेकंड लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वन मोर टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे इन दिस क्लास, वाटलेस करंट, चोक कॉइल, एंड वन मोर देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन? दोनों टॉपिक पावर से रिलेटेड है. पावर कंजम्पशन कम से कम करना है वो हमने पढ़ा, पावर कंजम्पशन जीरो किसकी वजह से होगा वो वाटलेस करंट. ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इज why transmission of electric power over long distances is done at high voltage. Why? यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसे हाई वोल्टेज पे ही क्यों किया जाता है, हाई वोल्टेज पे ही क्यों ट्रांसफर करते हैं? ये क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में भी ऐसे दो क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस करने हैं. कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. डिफरेंट एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अक्सर. अब लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर क्यों करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करने का रीजन है, हम जहां भी रहते हैं वहां तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही किसी पावर प्लांट में, दैट पावर प्लांट में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, किसी डैम पे लगा होगा, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कोई बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ले लेते हैं. एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किसी डैम पे बना हुआ है, किसी हिल स्टेशन के आसपास, तो वहां से हमारे एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है. वहां पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको, अब उसका डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250-300, काफी दूर दूर तक पावर ट्रांसमिट करते हैं. इन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पावर कहां से आती है? मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन दिल्ली का मेजर पार्ट बाहर से आता है. दिल्ली के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो बहुत कम है, मेजर पार्ट बाहर से हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का. बाहर से कहां से आएगा? बहुत से स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, हिल स्टेशन, वहां पे बड़े बड़े डैम हैं. भाखड़ा नंगल डैम हमने सुना होगा नाम, काफी बहुत बड़ा डैम है, स्पेशली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही तो है.
जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर उसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में सप्लाई किया जाता है। होप यू गॉट इट कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहीं हो रही है और उसे सप्लाई काफी दूर करना है, तो कैसे सप्लाई करेंगे? इज डन एट हाई वोल्टेज वायर्स। क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। लेट पावर जनरेटेड एट पावर प्लांट में जो पावर जनरेट हुई है, लेट इट इज 11,000 वॉट। कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, 11,000 वॉट पावर हमने जनरेट कर ली किसी पावर प्लांट में। अब उसे हमने 200 किलोमीटर दूर किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किसी सिटी में सप्लाई करना है, तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे सप्लाई कैसे करेंगे? वायर्स के थ्रू सप्लाई करेंगे। वॉट इट, अब वायर के थ्रू सप्लाई करेंगे तो वायर्स में करंट फ्लो करेगा कितना, देखें जरा। लेट फर्स्ट लेट दिस पावर, ये जो पावर प्रोड्यूस हुई है, लेट दिस पावर इज फर्स्टली सप्लाइड एट 220 वोल्ट। हम इसे 220 वोल्ट पे जनरेट, 220 वोल्ट पे ही सप्लाई कर देते हैं, तो क्या फायदे क्या नुकसान क्या है वो समझते हैं। इतने वोल्ट पे इस पावर को सप्लाई करेंगे, करंट कितना फ्लो करेगा? देन करंट फ्लोइंग इन वायर्स। हाउ मच इट इज, यू नो द फॉर्मूला फॉर करंट। करंट का फॉर्मूला पावर एंड वोल्टेज गिवन है, तो P by V, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है P equals to VI, so current becomes equal to P by V. How much it is? आंसर सबको पता चल गया होगा, पावर 11,000 वॉट बाय वोल्टेज 220 वोल्ट, 0 से 0, 20 to 5 जब 110 एंड वन मोर 0, हाउ मच इट इज 50 एम्पियर करंट। यू कैन इमेजिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट विल फ्लो इन द वायर्स। यदि मैं घर में बात करूं तो घरों में हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में करंट कितना फ्लो करता है? 5 एम्पियर, ज्यादा रिक्वायरमेंट है 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर। पावर का स्विच है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर तक बस, 15 एम्पियर से ज्यादा जनरली घरों में नहीं होता। अब 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर के स्विच जनरली ये डिवाइसेस हम यूज करते हैं, बट दिस इज 50 एम्पियर, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग करंट, बहुत ज्यादा करंट है। इसको सप्लाई करने के लिए थिक वायर्स चाहिए, थिक मतलब थिकनेस ज्यादा चाहिए। थिकनेस ज्यादा क्यों चाहिए? उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ये नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए। स्किन इफेक्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज ओवर सरफेस पे फ्लो करता है अल्टरनेटिंग करंट, जबकि डीसी सरफेस के साथ साथ अंदर वॉल्यूम में भी फ्लो करता है। डीसी वायर के अंदर सरफेस के साथ साथ अंदर भी फ्लो करता है, बट अल्टरनेटिंग करंट अंदर फ्लो नहीं करेगा, इसके सिर्फ सरफेस पे फ्लो करेगा, ओनली फ्लोज एट द सरफेस। अब सरफेस पे फ्लो करेगा तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा करंट है तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब है, सरफेस एरिया बढ़ाना है तो वायर की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी यानी थिक वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, थिक वायर होंगी तो उनका वेट ज्यादा होगा, हैवी वायर हो जाएंगे वेट ज्यादा होगा। तो अब हैवी वायर को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए हैवी पोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगा एंड रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हैवी वायर हैं तो पोल्स हैवी चाहिए, उनको हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग बढ़ जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ जाएगा, खर्चा ज्यादा आएगा। थिक वायर है, हैवी पोल्स है तो खर्चा ज्यादा होगा। दैट मींस इसका मतलब है करंट ज्यादा है
सो थिक वायर्स आर रिक्वायर्ड, सो इतना स्ट्रॉन्ग करंट पास करने के लिए थिक वायर्स आर रिक्वायर्ड, एंड थिक वायर को सपोर्ट करने के लिए हैवी पोल्स चाहिए, एंड हैवी पोल्स एंड हैवी पोल्स आर नीडेड विच इंक्रीजेस व्हाट, विच इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन को बढ़ा देगा, खर्चा ज्यादा आएगा, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा होगी, ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाइल एट द सेम पावर, व्हाइल दिस सेम पावर फर्स्ट लेट्स अप्लाई एट 22,000 वोल्ट, इफ सेम पावर जनरेटेड, इफ सेम पावर इज अप्लाइड एट 22,000 वोल्ट, कितने वोल्ट पे, सेम पावर को हम 22,000 वोल्ट पे सप्लाई करें तो क्या चेंजेस होंगे, देन करंट फ्लोइंग इन द वायर्स, देन करंट कितना फ्लो करेगा, पावर बाय वोल्टेज, पावर जनरेटेड इज 11,000 वॉट, बाय वोल्टेज इज 22,000 वोल्ट, सॉल्व करेंगे तो आएगा हाउ मच इट इज, कितना होना चाहिए 0.5 एम्पियर, दैट गेट कैंसल्ड 11 to 22, सो इट बिकम्स हाउ मच 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट, यू कैन इमेजिन इतने वोल्ट पे 50 एम्पियर कितना स्ट्रॉन्ग करंट है, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जबकि 22,000 वोल्ट पे ओनली 0.5 एम्पियर, यानी करंट 100 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, 100 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, तो करंट बहुत कम है, अब करंट कम है तो अगेन स्किन इफेक्ट, कम करंट है, स्मॉल करंट है, तो उसको फ्लो कराने के लिए थिन वायर्स आर रिक्वायर्ड, थिन वायर्स आर सफिशिएंट, सो थिन वायर्स आर सफिशिएंट फॉर दिस, गॉट इट, नेक्स्ट पॉइंट, थिन वायर्स आर सफिशिएंट, दैट इज विच डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन को डिक्रीज कर देगा, खर्चा कम आएगा, थिन वायर है तो उनको सपोर्ट करने के लिए लाइट पोल्स आर एनफ, लाइट पोल होंगे तो खर्चा कम आएगा और हैंडलिंग भी कम होगी और मेंटेनेंस भी कम होगी, हैंडल करना कंफर्टेबल होगा, इजीली हैंडल कर पाएंगे, गॉट इट, वन मोर पॉइंट, 50 एम्पीयर करंट पास करा रहे हैं इतना वोल्टेज पे, तो लॉस कितना हो रहा है, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमें समझना है, देखेंगे जरा, एडिशनल है एट 220 वोल्ट, एट 220 वोल्ट व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, कितना हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, कितना होगा, कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट की मैं बात करूंगा, क्या फॉर्मूला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आई स्क्वायर आर टी पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब आई स्क्वायर आर, आई कितना है 220 वोल्ट पे आई कितना है 50 का स्क्वायर कितना होगा, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर इनटू आर भी है, रेजिस्टेंस भी है, 2500 आर जूल पर सेकेंड, अभी वायर का रेजिस्टेंस ऐड नहीं हुआ है, उस 2500 आर जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, व्हाइल एट 22,000 वोल्ट पे सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 22,000 वोल्ट पे सप्लाई करेंगे तो कितनी वेस्ट होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, फॉर्मूला सेम रहेगा आई स्क्वायर, करंट कितना है, अब करंट 22,000 वोल्ट पे करंट इज 0.5 का स्क्वायर इनटू आर,
0.5 का स्क्वायर इज 0.25 आर जूल पर सेकेंड, 0.25 आर जूल पर सेकेंड. व्हाट डज इट मीन? यानी 220 वोल्ट पे 2500 आर जूल एनर्जी पर सेकेंड हीट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है. क्योंकि वायर में हमें तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है, बट वायर गर्म हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे लिए वेस्टेज है वायर में, हमें हीट नहीं चाहिए वहां पे. सो पर सेकेंड इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है 22 वोल्ट पे. जबकि 22,000 वोल्ट पे ट्रांसफर करें तो 0.25 आर जूल एनर्जी 1 सेकेंड में वेस्ट हो रही है. यानी इसके साथ कंपेयर करें तो 10,000 जूल पर सेकेंड एनर्जी सेव कर रहे हैं. 2500.25 यानी 10,000 टाइम्स एनर्जी वेस्टेज हमने कम कर दिया है. यानी 220 वोल्ट पे जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी उसका 10,000 टाइम्स पर जूल हम सेव कर पाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को. इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा सेव हो जाती है, वेस्ट बहुत कम हो गया, 10,000 टाइम्स कम कर लिया हमने वेस्टेज. ऑब्वियसली वेस्टेज कम होगा तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, एंड वेस्ट कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी आगे ज्यादा पहुंचेगी, एंड दैट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. खर्चा कम आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम होगी, जो हमें घरों में पे करना पड़ता है वो कॉस्ट भी कम होगी. तो ये सारे जो वर्कआउट है इंजीनियर्स बड़ी बड़ी कंपनीज में करते रहते हैं, और फाइनली फिर हम उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं. वन मोर बट पॉइंट आया कि 220 वोल्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है, बहुत ज्यादा हीट वेस्ट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है. 22,000 वोल्ट पे करंट बहुत कम है, खर्चा बहुत कम आ रहा है, थिन वायर्स आर सफिशियंट, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट भी कम हो रही है, बट इतने वोल्ट पे सप्लाई कैसे करें? इसके लिए एक सिंपल सा क्या करना है, ट्रांसफार्मर लगा देंगे. ट्रांसफार्मर पे जो जनरेट हुई है पावर 11,000 वॉट, उसको 220 वोल्ट पे जनरेट हुई है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 22,000 वोल्ट में ट्रांसफर करके आगे सप्लाई कर देगा. दैट मींस देखो इसमें तो पूरे एरिया में 200 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी, तो पूरे एरिया में हैवी वायर्स का नेटवर्क हमें लगाना पड़ेगा, हैवी पोल्स हमें लगाने पड़ेंगे, और लॉस भी बहुत ज्यादा होगा. जबकि 22,000 वोल्ट के लिए हमें सिर्फ पावर प्लांट जहां है वहां पे हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा, जो वोल्टेज को 22,000 वोल्ट अप कर देगा और फिर सप्लाई कर देगा. जैसे ही किसी भी कॉलोनी के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर, कहीं भी किसी भी सेक्टर के बाहर जहां पहुंचेगी इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे. क्योंकि 22,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई है, बट घरों में तो 220 वोल्ट पे चाहिए. इसलिए बाहर जहां भी किसी एरिया में सप्लाई करनी है, उस एरिया के बाहर बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, सबने देखा होगा, वो स्टेप डाउन होगा पावर प्लांट पे, स्टेप अप जो 22,000 वोल्ट पे यानी अप कर देगा, सप्लाई कर देगा, हमारे एरिया में पहुंच गई. अब वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को फिर से डाउन करके 220 वोल्ट पे ले आएगा और उसे आगे अलग अलग एरियाज में घरों में सप्लाई कर देगा. इस तरह से ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी काफी कम कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफी कम कर लेते हैं. व्हाट इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसी को थोड़ा बहुत घुमा के ट्विस्ट करके ट्रिकी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. एनसीईआरटी में ऐसे दो और क्वेश्चन है जो हमें अटेम्प्ट करने हैं. आज हमने क्या पढ़ा, वॉटलेस करंट, वही पावर कंजम्पशन जिसकी वजह से जीरो हो, चौक कॉइल जो वही इंडक्टर हैविंग स्मॉल रेजिस्टेंस जिसमें भी पावर कंजम्पशन अप्रोचेस टू जीरो, कम से कम हो, एंड व्हाई ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डन एट हाई वोल्टेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, स्किन इफेक्ट हमें याद रखना चाहिए. Hope all of you got it. If still you have doubts, solve the questions, attempt the numericals and send your doubts. I will try to reply as soon as possible for your doubts. Aaj itna hi padhte hain. Thank you all. Take care.